इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो जिला राजौरी के नौशहरा के लाम सेक्टर से आ रही है। आपको बता दें कि एलओसी पर स्थित जो लाम इलाका है वहां पर आईडी ब्लास्ट जो है वो हुआ है, जिसमें सेना के एक अधिकारी जो है वो शहीद हो गए हैं और एक घायल जवान जो है उसको एयरलिफ्ट किया गया है जो सेना का हॉस्पिटल है उधमपुर में वहां पर। जी हाँ, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जिला राजौरी के राम जो इलाका है वहां से, जो कि बिल्कुल सीमा से सटा हुआ इलाका है, वहां पर आईडी जो ब्लास्ट है वो वहां पर हुआ, जिसके बाद जो एक सेना के अधिकारी है वो इस हमले में शहीद हो गए इस धमाके में, और जो एक सेना का जवान है उसको जो है वो एयरलिफ्ट कर उधमपुर जो सेना का अस्पताल है वहां पर भर्ती जो है वो कराया गया है। अभी इसकी जांच जो है वो की जा रही है कि आखिर ये आईडी धमाका जो है वो कैसे हुआ और किस तरह का ये धमाका था। आपको बता दें कि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जोरदार धमाका जो था जिससे पूरा इलाका जो है वो गूंज उठा इस धमाके में, जिससे एक जो सैन्य अधिकारी है वो शहीद हुआ। और कहीं ना कहीं क्योंकि ये जो लाम का इलाका है वो बिल्कुल सीमा से सटा हुआ इलाका है और अक्सर जो पाकिस्तान की तरफ से यहां पर गोलाबारी है वो की जाती है, संघर्ष विराम का उल्लंघन भी किया जाता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से ये ताक रहती है कि किस तरह से घुसपैठ करके यहाँ पर जो मिलिटेंट्स हैं उनको भारतीय क्षेत्र में घुसाया जाए। फिलहाल अभी तक जो हमारे पास जानकारी है कि एक जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं और एक जवान जो घायल जख्मी है उनको एयरलिफ्ट किया गया है सेना के अस्पताल में, उनको भर्ती जो है वो करवाया गया है और अभी जो है वो इस चीज की जांच जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से चल रही है कि आखिर किस तरह का ये धमाका और किस तरह का ये धमाका हुआ।